हेलो भाई हो आप देख रहे हो गाड़ी रिव्यू। मैं हूँ आपका भाई छोटू तिवारी। आज हम दिखाने वाले हैं MG हेक्टर प्लस शार्प प्रो। ये डीजल मैनुअल में आपको टॉप मॉडल मिलता है, 7 सीटर में। इससे ऊपर आपको कुछ भी नहीं मिलता है भाई। फ्रंट से बात करें तो आपको डायमंड मेस ग्रिल मिल जाता है क्रोम फिनिश में, साथ में आपको आगे की तरफ कैमरा देखने को मिल जाता है और MG का लोगो आपको क्रोम फिनिश में मिल जाता है। सामने से कुछ इस तरह से उसका लुक निकल के आता है और काफ़ी खतरनाक लुक निकलता है। LED DRL मिल जाता है साथ में, इसमें आपको इंडिकेटर है और एक कॉर्नर लाइट का भी काम करता है। आप जिस तरह स्टेयरिंग घुमाएंगे उस साइड में आपका ये लाइट जल जाएगा। नीचे की बात करें तो आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है LED सेटअप में, उसके नीचे आपको फॉग लैम्प मिल जाता है। आगे की तरफ इसमें आपको 2 पार्किंग सेंसर मिल जाता है और इसमें 360° कैमरा मिल जाता है, तो आपको आगे की तरफ कैमरा भी देखने को मिल जाता है। साइड लुक का बात करें तो कुछ इस तरह से आपको साइड लुक निकल के आता है और काफ़ी लाजवाब लगता है भाई। इसमें आपको चारों व्हील में डिस्क ब्रेक मिल जाता है और टायर साइज का बात करें तो आपको मिलता है 215/55 R18 इंच के एलॉय व्हील आपको मिल जाता है। ORVM पे बात करें तो आपको इसमें भी लाइट मिल जाता है और इसमें आपको यहाँ पे कैमरा भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि कुछ इस तरह आपको सिल्वर फिनिश में रूफ रेल मिल जाता है और आपको इसका सभी डोर हैंडल पे क्रोम फिनिश मिल जाता है और इसमें आपको विंडोज पे भी क्रोम फिनिश मिल जाता है। रियर लुक का बात करें तो आपको रियर से कुछ इस तरह से इसका लुक निकल के आता है। ऊपर की तरफ आपको शार्प टाइप एंटीना मिल जाता है, स्पॉइलर मिल जाता है, हाइयर लाइट मिल जाता है, इसमें आपको वाइपर मिल जाता है, डिफॉगर मिल जाता है, साथ में आपको LED कनेक्टिंग लाइट मिलता है। काफ़ी लाजवाब इसका लाइट लगता है। यहाँ पे भी आपको क्रोम फिनिश में MG का लोगो मिल जाता है, साथ में आपको क्रोम फिनिश मिलता है। पीछे की बात करें तो आपको पीछे भी कैमरा देखने को मिलता है और इसमें आपको हेक्टर लिखा हुआ मिलता है, हेक्टर प्लस, और इसमें कोई भी आपको इंटरनेट इनसाइड का बैजिंग नहीं मिलता है। नीचे बात करें तो आपको इस साइड में रिफ्लेक्टर मिल जाता है जो आपको कनेक्टिंग मिलता है। पीछे की तरफ आपको 4 पार्किंग सेंसर मिल जाता है और नीचे भी क्रोम फिनिश आपको मिलता है। उसी इस तरह से इनसाइड लुक निकलता है, साथ में आपको मॉरिसस गैराज का बैजिंग मिल जाता है क्रोम फिनिश में। और अब बारी है अंदर जाने का। अंदर जाने से पहले इसका कुछ फीचर बता देते हैं। जैसे इसमें आप अपना मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड करके जे, और कुछ इस तरह से इसका आपका की मिलता है लॉक अनलॉक, और इससे आपका बूट अनलॉक हो जाएगा। इसका लॉक जैसे ही आप अनलॉक करते हैं वैसे ही आपका ORVM अनफोल्ड हो जाता है। इसमें आपको कीलेस एंट्री मिल जाता है, यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। साथ में एक फीचर्स इसमें और ऐड है, जैसे ही आप की लेके इससे थोड़ा सा पीछे हो जाइएगा गाड़ी लॉक होकर आपका मिरर फोल्ड अनफोल्ड हो जाएगा। जैसे ही आप इसके पास जाइएगा अपना जेब में की रखिए और ऐसे जैसे ही आप पास गए तो अनलॉक हो जाएगा और मिरर अनफोल्ड हो जाएगा। काफ़ी कमाल का ये फीचर्स हैं। डुअल टोन में इसमें आपको डोर मिलता है और यहाँ पर इन्फिनिटी का ट्विटर का बैजिंग भी मिल जाता है। ग्लॉसी फिनिश में आपको पावर विंडोज कंट्रोल मिलता है, यहाँ से आप का चाइल्ड लॉक मिल जाता है। कुछ इस तरह से आपको डोर मिलता है, यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है लेदर फिनिश स्टिचिंग के साथ, और काफ़ी कमाल का इसका डोर भी लगता है, लाजवाब। नीचे की तरफ आपको स्पीकर मिलता है और यहाँ पे आपको बोतल होल्डर मिल जाता है। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सीट मिल जाता है लेदर फिनिश में, साथ में इसमें आपको वेंटिलेटेड आगे के दोनों सीट में मिल जाता है और इसका हेडरेस्ट भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। काफ़ी लाजवाब इसका सीट क्वालिटी भी है। ABC पंडल और डेट पंडल देखने को मिल जाता है और यहाँ से आप अपना आप फ्रंट बोनट खोल सकते हैं और यहाँ से आपको फ्यूल कैप खोल सकते हैं। यहाँ पे आप पॉइंट्स वॉइंट्स रख सकते हैं, थोड़ा स्पेस मिल जाता है, और यहाँ से आप बूट अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ से आपको हेडलाइट कंट्रोल मिल जाता है, कुछ इस तरह से आपको AC वेंट देखने को मिलता है। स्टेयरिंग की बात करें तो आपको लेदर फिनिश स्टिचिंग के साथ इसका स्टेयरिंग व्हील मिलता है। इस साइड में आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है और इस साइड में आपको कॉलिंग फंक्शन वॉइस कमांड मिल जाता है, म्यूजिक कंट्रोल। इसमें आपको स्टीयरिंग टिल्ट एंड टेलीस्कोप दोनों मिलता है। इस साइड में आपको वाइपर कंट्रोल मिल जाता है और इस साइड में हेडलाइट कंट्रोल मिलता है, और इसमें आपको डिजिटल क्लस्टर मिलता है। इस साइड में आपको RPM दिखाता है और इस साइड में आपको टेकोमीटर दिखाता है। और इस गाड़ी में सबसे इस सेगमेंट के सबसे ज्यादा बड़ा डिस्प्ले इसमें आता है भाई साहब, इंफोटेनमेंट सिस्टम 14 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है
wireless Android Apple CarPlay supported. Today's weather is sunny, 20.6 degrees in Patna. और इसमें आपको 75 लैंग्वेज कमांड मिल जाता है. इसमें आपको 6 एयरबैग मिल जाता है और इसका कैमरा क्वालिटी भाई काफी इंप्रूव किया है MG वालों ने. देख सकते हैं HD कैमरा 360 डिग्री की आपको व्यू कुछ इस तरह से निकलता है. काफी लाजवाब इसका कैमरा क्वालिटी अब हो गया. डुअल टोन में डस्क बोर्ड मिलता है और ये सॉफ्ट टच नहीं है, देखने में काफी अट्रैक्टिव लगता है. ग्लव बॉक्स का बात करें तो आपको अच्छा स्पेस के साथ इसमें आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है और इसमें आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ मिल जाता है. यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाता है. यहाँ से आपको वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन मिल जाता है. यहाँ से रियर एसी का मिल जाता है. इस साइड भी आपको वही मिलता है. हील असिस्ट मिल जाता है और यहाँ हजार्ड बटन आपको मिल जाता है. कुछ इस तरह से इसका आपको गियर नॉब देखने को मिल जाता है और रियर एसी फैन यहाँ से आप हाई कर सकते हैं. दो कप होल्डर मिलता है. यहाँ पे भी आपको क्रोम फिनिश मिल जाता है. काफ़ी देखने में लाजवाब लगता है इसका इंटीरियर. मैनुअल आपको हैंड ब्रेक मिल जाता है. आर्मरेस्ट की बात करें तो आपको कुछ इस तरह से आर्मरेस्ट मिलता है विथ स्टोरेज के साथ में. इसमें आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिल जाता है. इसमें भी आपको दो USB पोर्ट मिल जाता है. ड्राइवर साइड सन वाइजर का बात करें तो आपको इसमें मिरर और LED लाइट मिल जाता है. रियर मिरर का बात करें तो आपको इलेक्ट्रॉनिक डे नाइट एडजस्टेबल मिलता है. वही आपको पैसेंजर साइड सन वाइजर का बात करें तो इसमें भी आपको सेम देखने को मिल जाता है. और यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है और यहाँ पे आपको दो LED लैंप मिल जाता है और यहाँ आपको काफ़ी बड़ा सनरूफ के कंट्रोल मिलता है. और इसका सनरूफ का बात करें तो भाई काफ़ी ज़्यादा बड़ा सनरूफ है, आप देख सकते हैं. सेकेंड रो डोर का बात करें तो आपको यहाँ पे भी क्रोम फिनिश मिल जाता है और कुछ इस तरह से सेकेंड रो डोर मिलता है डुअल टोन में. और यहाँ पे आपको पावर विंडो बटन मिल जाता है और इसमें आपको 4 ट्विटर मिलता है, 8 स्पीकर मिलता है. तो यहाँ पे भी आपको ट्विटर देखने को मिल जाता है. और कुछ इस तरह से आपको बोतल होल्डर मिलता है. नीचे की तरफ आपको स्पीकर मिलता है और यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश मिल जाता है. यहाँ आपको सॉफ्ट टच मिलता है. जैसा कि हमने बताया ये 7 सीटर है तो आपको रियर सीट जो है सेकेंड रो का वो 60-40 मिलता है ताकि आप पीछे जा सकते हैं क्योंकि ये 5 डोर गाड़ी है. और यहाँ पे आपको अच्छा आर्मरेस्ट मिल जाता है 2 कप होल्डर के साथ में. सीट का लेग थाई सपोर्ट का बात करें तो आपको अच्छा लेग थाई सपोर्ट वाला सीट मिल जाता है. लेग रूम का बात करें तो अभी हम सीट अपने अनुकूल सेट किए हुए थे. मैं अपना हाइट 5 फीट 10 इंच है, उसके अनुकूल सेट किए हुए थे. उसके बाद आपको अच्छा लेग रूम मिल जाता है. इस तरफ आपको AC वेंट देखने को मिलता है और नीचे की तरफ आपको एक USB पोर्ट मिल जाता है और यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है. सबसे बड़ी बात है इसमें आपको हैम्प मिलता ही नहीं है, एकदम फ्लैट मिलता है. आप कंफर्टेबली इसमें आप 3 आदमी बैठ सकते हैं. और अब बारी है थर्ड रो जाने के लिए. तो थर्ड रो के लिए सबसे पहले तो ये आपको सीट अनफोल्ड करना होगा. कुछ इस तरह से अनफोल्ड हो जाता है, उसके बाद आप जा सकते हैं. थर्ड रो का सीट का बात करें तो आपको कुछ इस तरह से सीट मिलता है और इसमें आपको लेग थाई सपोर्ट अच्छा मिल जाता है. और यहाँ पे आपको USB पोर्ट मिलता है, 2 कप होल्डर मिल जाता है और यहाँ पे आपको AC वेंट देखने को मिल जाता है. ऊपर की तरफ आपको बाहर का नज़ारा लेने के लिए छोटा सा ग्लास भी मिल जाता है. थर्ड रो स्पेस का बात करें तो ये सीट थोड़ा सा आगे करने के बाद आराम से हम बैठ सकते हैं, ऐसे तो अभी नहीं बैठ पा रहे हैं. और इस साइड में आपको यहाँ से आपको AC कंट्रोल मिल जाता है. यहाँ पे भी आपको AC वेंट मिलता है और इस साइड में एक आपको कप होल्डर मिलता है. थर्ड रो में तो आप ज़्यादा दूर तक सफ़र नहीं कर पा सकते, ऐसे पैर करेंगे तो आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं या सीट को आगे ज़्यादा करने के बाद ही बैठ सकते हैं, अपने हाइट के अनुकूल हम बता रहे हैं. रियर से आपको कुछ इस तरह से इसका इंटीरियर दिखता है. काफ़ी लाजवाब इंटीरियर दिखता है. इस सेगमेंट में इस इतना अच्छा इंटीरियर आपको और कोई गाड़ी में नहीं मिलता भाई साहब. देख रहे हैं कितना लाजवाब आपको इंटीरियर मिलता है. इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट मिल जाता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प मिल जाता है, एयर क्वालिटी कंट्रोल मिलता है, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, चाइल्ड लॉक, TPMS, ESP, हील असिस्ट एवं 360 डिग्री कैमरा का आपको व्यू मिल जाता है. और इसमें आपको एम्बियन लाइट मिलता है कुछ इस तरह से, काफ़ी लाजवाब लगता है. साथ आपको कप होल्डर में भी आपको एम्बियन लाइट देखने को मिलता है जो आप अपना मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं. इसमें आपको 2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन मिलता है जो 167 BHP प्रोड्यूस करता है और 350 NM का टॉर्क निकलता है.
आपको एमजी टर्बो का बैजिंग मिल जाता है और कुछ इस तरह से इसका पूरा इंजन कवर्ड मिलता है। साथ में बात करें तो ऊपर में आपको इंसुलेशन देखने को मिल जाता है। और इसका माइलेज का बात करें तो आपको सिटी में कंपनी क्लेम करती है 12-13 और हाईवे पे 16-17 कंपनी माइलेज क्लेम करती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी का बात करें तो इसमें आपको 60 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है। इसमें आपको एडास भी मिल जाता है। और कुल लेंथ का बात करें तो 4699 mm का कुल लेंथ मिल जाता है। विड्थ का बात करें तो 1835 mm का आपको विड्थ मिल जाता है। हाइट का बात करें तो 1760 mm का आपको हाइट इसमें मिल जाता है। ग्राउंड क्लीयरेंस का बात करें तो 192 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिल जाता है। व्हील बेस का बात करें तो आपको 2750 mm का व्हील बेस मिल जाता है। इसमें आपको चारों व्हील में डिस्क ब्रेक मिल जाता है। प्राइस का बात करें तो आपको MG Hector प्लस में शार्प प्रो 7 सीटर टॉप मॉडल डीजल मैनुअल में 100 रूम प्राइस का बात करें तो आपको 22,20,000 रुपये पड़ता है। और अभी हम खड़े हैं असियाना फैब्रिक MG मोटर्स पटना नियर CDA बिल्डिंग राजेंद्र नगर रोड। यहाँ पे आपको ऑन रोड प्राइस 26,86,000 रुपये पड़ता है। गाड़ी कैसा लगा, मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद।